दीक्षा नंद है। मैं टीजीटी मैथ्स और साइंस बेगूसराय बिहार में शिक्षक के पद पर कार्य कर रही हूँ। पिछले साल कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बाधित हुई। बच्चे 2020-21 के सत्र में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना महामारी ने उन्हें स्कूल आने ही नहीं दिया और उन्हें अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं दिया गया, जिसके कारण बच्चे जब अगली कक्षा में गए तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने नया कोर्स शुरू किया अगले साल का, क्योंकि उनका पिछले साल का जो फंडामेंटल्स थे, जो बेसिक चीजें थी, वो उन्होंने सीखा ही नहीं था, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें परेशानी हो रही थी। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें बच्चों को एक मौका दिया गया और टीचर्स को भी मौका दिया गया कि आप बच्चों को कितना ज्यादा सिखा सकते हैं। कैचअप कोर्स शुरू किया गया ताकि बच्चों को पिछली कक्षा जो उन्होंने नहीं पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में जो भी चीजें, उसे किस तरह से उनका जो बेसिक चीजें हैं बताई जाए ताकि उनका लर्निंग आउटकम बढ़ाया जा सके। इसके लिए उन्होंने सेतु सामग्री तैयार की। उस सेतु सामग्री के अनुसार मैं आज क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस में अध्याय पृथक करने सिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज हम पृथककरण के बारे में पढ़ेंगे। पृथककरण कोई सुनने में बड़ा नया शब्द लगता है, पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम इसमें आगे सीखते जाएंगे, हमें लगेगा कि ये तो बहुत आसान है और इसे तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो पृथककरण का मतलब है पृथक करना। पृथक करना मतलब अलग करना, अलग करना, चीजों को अलग करना, उपयोगी अनुपयोगी चीजों को अलग करना। अच्छा बताओ बच्चों, जब घर में हमारी माँ, दीदी, बुआ, मौसी या कोई भी जब खाना बनाती है, चावल बनाती है, दाल बनाती है, तो क्या चावल या दाल को बड़े वाले बर्तन से निकाला या थैला से निकाला और बस उसे जो चावल बनाने के लिए पानी चढ़ाया उसमें डाल दिया? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। पहले चावल निकालते हैं, उसे एक बर्तन में लेते हैं और उसे चुनते हैं, उसमें से जो अनुपयोगी पदार्थ है उसे निकालकर फेंक देते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो चलो आज हम इसको और आगे सीखते हैं, इसके बारे में, पृथककरण के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पृथककरण जब ठोस में से ठोस को अलग किया जाए, ठोस तो जान रहे हो कड़ी कड़ी चीज है, जो ठोस में से ठोस को अलग किया जाए तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती है। उसमें होती है, पहला है चुनना, दूसरा चालना, तीसरा दौनी, चौथा ओसान। चाल चुनना, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया कि चावल में से कंकड़ को हटाना, जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको हटाना। अब हमेशा अनुपयोगी पदार्थ ही नहीं मिलते हैं, जैसे अब गेहूं और चना दोनों मिले हुए हैं, तो उन दोनों को चुनकर अलग करना, ये हुई चुनने की प्रक्रिया। अब आते हैं चालना। चालना क्या होता है? मान लो कि गेहूं में बालू मिला हुआ है तो हम कैसे अलग करेंगे? उन्हें तो चुनना बहुत कठिन है, छोटे छोटे बालू को निकालना। तब हम चालने की प्रक्रिया अपनाएंगे, एक हुआ चालना, चलने लेंगे, जिसमें से कि बालू आसानी से निकल जाए और गेहूं इस तरह से जब चाले तो बालू निकल जाए और गेहूं ऊपर में रहे, जिससे कि हम निकाल के उपयोग कर सके। ये तो हो गई गेहूं में यदि बालू मिला हुआ है तब। और मान लो कि सूजी में कुछ मिला हुआ, सूजी के तो रंग बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूजी में कुछ मिला हो जो कि सूजी से बड़े आकार के अनुपयोगी पदार्थ है, तब हम क्या करेंगे? इसमें सूजी डालेंगे और चालेंगे तो सूजी गिर जाएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, उसके कण छोटे हैं, उसके रवे छोटे हैं और जो अनुपयोगी पदार्थ है, कीड़े वगैरह हैं, वो सब ऊपर रहेंगे, जिसे कि फेंक दिया जाता है। ये तो हम घर में देखते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने मकान बनते देखा है। मकान जब बनता है तो देखते हैं कि बड़े बड़े जालीनुमा
चीज रखे हुए हैं उस पे बालू को छाना जा रहा है, चाला जा रहा है। क्यों चाला जा रहा है? क्योंकि बालू जब मकानों में प्लास्टर करते हैं तो बालू एक रंग के होने चाहिए, उनके कण लगभग समान होने चाहिए, आकार लगभग समान होना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ बड़े आकार के कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं तो उन्हें चाल कर हटा दिया जाता है, वही जाली लग रहे थे उसमें बालू को रख के ऐसे चाला जाता है, जो एक समान आकार के बालू है वो नीचे गिर जाते हैं और जो ऊपर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं वो उन्हें निकाल कर हटा दिया जाता है, क्योंकि वो प्लास्टर में प्लास्टर को अच्छी तरह से नहीं होने देंगे। तो वो हो गया चालना। अब एक शब्द आता है दौनी। दौनी क्या होता है? हम फसल लगाते हैं, किसान खेतों में फसल लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल बड़े होते हैं, जब फसल पक जाते हैं तो उसे काट दिया जाता है, काटा जाता है, इसे कहते हैं हार्वेस्टिंग, कटाई। ठीक है, उसके बाद कटाई के बाद क्या होता है? उन डंठल सहित जो फसल उसमें अनाज लगे हुए हैं डंठल से उन्हें खेतों में जमा किया जाता है। अब उसमें से तो डंठल से अनाज को अलग करना है, तो अनाज को अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, मशीन लगी रहती है बड़ी बड़ी, उसमें से जो फसल के डंठल है उन गट्ठों के रूप में उसमें मशीन में डाला जाता है, और मशीन के अंदर कुछ कटर जैसे रहते हैं जो कि उस डंठलों से अनाजों को अलग करते हैं, और उसमें पंखा लगा रहता है। पंखा लगा रहता है, पंखा क्यों लगा रहता है? जब अनाज भारी होते हैं और जो डंठल छोटे छोटे कट के हल्के हो जाते हैं जिसे कि भूसी कहते हैं, तो जब वो पंखे जो है भूसी को उड़ा के दूर फेंक देते हैं और अनाज को जो भारी होते हैं उसके कण उसको पास में गिराते हैं। अब अनाज के जो भारी कण है उनको हमने अलग कर लिया और जो भूसी है वो जाके अलग कर लिया। तो इस तरह से दौनी होता है मशीनों के द्वारा, लेकिन जब मशीन नहीं थे या अभी भी कहीं कहीं दौनी बैलों के द्वारा भी होता है। बैलों के द्वारा कैसे होता है? बीच में एक लकड़ी खूंटा बांध दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है और उन खूंटे में बैलों को बांध दिया जाता है, और खूंटे के चारों तरफ डंठल वाले फसल जो रहते हैं उसको, सूखे फसल उसको रख दिया जाता है। अब बैलों को चलाया जाता है, बैल यहाँ से ऐसे ऐसे बार बार चल रहे हैं, क्योंकि बैलों के जो खुर होते हैं काफी मजबूत होते हैं, उस खुर के कारण बैल जो चल रहे हैं उस खुर के कारण जो अनाज के दाने हैं वो डंठल से अलग हो जाते हैं और उनको फिर अलग उसको निकाल दिया जाता है। अब दौनी और कैसे होते हैं? फसलों की पिटाई। फसलों की पिटाई कैसे करते हैं भाई? वो जो गट्ठर बने रहते हैं जिसमें डंठल के साथ अनाज लगे हुए हैं उन्हें रख दिया जाता है, और एक लकड़ी जैसे रहता है मोटा सा लकड़ी जैसे जो पकड़ने में आसानी हो, नीचे पकड़ने वाला बना रहता है ऊपर मोटा रहता है, उसे पकड़ के फसलों को पीटा जाता है, पीटा जाता है, और उस पीटने से क्या होता है कि फसल के जो दाने हैं अलग हो जाते हैं और भूसी अलग हो जाती है। तो इस तरह से दौनी की क्रिया की जाती है। अब क्या आता है? ओसाना, उड़ाना। कैसे? मान लो अभी भी ये तो मशीनों के द्वारा भी होता है और हाथ से भी होता है। हाथ से कैसे होता है? जब इनमें रख लिया गया, इसके यहाँ से फसलों को अलग किया गया भूसी से, और इसमें मान लो जैसे सूप और डगरा अपने यहाँ बोला जाता है ना, सूप और डगरा, तो सब जान रहे हैं इसको, तो उसमें फसलों को रख के और इधर से यदि हवा आ रहा है, इस डायरेक्शन में हवा बह रही है, तो इसमें ऐसे करके फसलों को अनाज के दानों को भूसी से जो है गिराया जाता है, ऐसे ऐसे करके गिराया जाता है, तो अनाज के दाने भारी होने के कारण यहाँ गिरते हैं और भूसी हल्के होने के कारण, क्योंकि हवा इस तरह से बह रही है ना, तो भूसी हल्के होने के कारण हवा के साथ उड़ती हुई दूर जाके गिरती है, इसे कहते हैं ओसाना। ये तो हुआ तब जबकि ठोस से ठोस को अलग किया जाता है। इस तरह से तो चुनना, चालना, दौनी और ओसाना। अब यदि कुछ पानी में कुछ ऐसा है जो कि पानी में मिला हुआ है और उसको पानी को साफ करके हमें निकालना है, जैसे कि तो पानी में कुछ घुले हुए चीज है जिसे कि निकालना है, तो इसके लिए यहाँ
जल लिए और उसमें हमने कुछ डाला, गंदगी डाली, ठीक है। अब इससे कुछ देर के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया, कुछ देर के लिए इसे हम लोगों ने छोड़ दिया, तो जो गंदगी है वो भारी है तो नीचे बैठ गई। मान लो कुछ गंदगी ऐसी है जो कि जल से हल्की है, जल से हल्की है तो वो तो जल से हल्की है तो ऊपर तैरेगा, तो उसे हम छान के निकाल लेंगे, गंदगी को निकाल के फेंक देंगे। लेकिन जो भारी वाली गंदगी है वो जाके नीचे बैठ जाती है, तो जब नीचे बैठ जाती है इस स्थिति में जबकि हम गंदगी को गिलास पानी में रख के और कुछ देर के लिए छोड़ दें, कुछ देर के लिए छोड़ दें, तो इस विधि को कहते हैं थिराना, स्थिर कर दे तो उसे कहते हैं थिराना, मतलब गंदगी जाके नीचे बैठ गया। अब गंदगी जाके नीचे बैठ गया, देख लो गंदगी जाके नीचे बैठ गया, अब इसमें अब इसे हम धीरे से दूसरे गिलास में या दूसरे बर्तन में ऐसे धीरे से निकालते हैं ताकि गंदगी इसमें ना आए। देखो साफ पानी आ गया और गंदगी इसमें रह गया, गंदगी इसमें रह गया, दिख रहा है ना गंदगी, और साफ पानी आ गया। तो इस तरह से फिराने के बाद इस तरह से पानी को धीरे से निकाल लेना किसी दूसरे बर्तन में, इसे कहते हैं निथारना। थिराना मतलब गंदगी को नीचे बैठा देना और ऊपर से पानी को धीरे से निकाल लेना, इसे कहते हैं निथारना। अब ये हो गया। अब मान लो कि बालू और नमक मिले हुए हैं तो हम कैसे अलग करेंगे, पृथक करेंगे, वहां कौन सी पृथककरण की क्रिया होगी भाई, कैसे होगी? तो हम मान लो किसी गिलास में बालू डाले जिसमें कि एक नमक है, नमक वाला बालू डाले, अब इसमें हम पानी डालें, पानी डालें तो क्या होगा, देखो क्या हुआ, बालू तो नीचे बैठ गया और पानी इसमें घुल गया, पानी घुल गया ना, पानी में नमक घुल गया, मतलब कि बालू नीचे बैठ गया, नमक पानी में घुल गया, नमक पानी में क्या है, घुलनशील। घुलनशील क्या होता है, जब पानी में कोई पदार्थ घुल जाता है तो वह होता है घुलनशील। यहाँ पर नमक पानी में घुलनशील है और बालू अघुलनशील है, मतलब बालू पानी में नहीं घुलता है तो वह अघुलनशील है और नमक पानी में घुलनशील है। अब देखो पानी में एकदम नमक मिल गया ना, बिल्कुल भी नहीं दिखता है, पानी में बिल्कुल घुल जाता है, बचा बालू, तो इसे हम छान लेंगे, छान लेंगे तो ये हुआ, ये बालू अलग हो गया, बालू अलग हो गया। अब ये हमारे पास जो बचा, ये बचा नमकीन पानी। अब नमकीन पानी को हम क्या करेंगे कि इसे हम रख देंगे बाहर में या कमरे में भी जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो उस जगह पे रखेंगे, तो पानी जो है वाष्प बनकर, वाष्प मतलब हाफ बनकर उड़ जाता है और नीचे रह जाता है नमक। तो इस तरह से बालू में जब नमक मिल जाए तो हम उसे अलग कर सकते हैं। अब घुलनशील क्या होता है, अघुलनशील हो गया, लेकिन सब चीज में सब चीज पानी में नहीं घुलता है, जैसे कि जब हम पेंट करते हैं, दरवाजे वगैरह में लगाने वाला पेंट करते हैं तो हाथ में पेंट लग जाता है तो उसे हम पानी से नहीं धो सकते हैं, क्योंकि पेंट जो है पानी में घुलनशील नहीं है, उसके लिए क्या लगाते हैं पता है ना, मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल हम हाथ में लगाते हैं और पेंट को उसमें जब हाथ को रगड़ते हैं तो पेंट जो है मिट्टी के तेल में घुलनशील है और हमारा हाथ साफ हो जाता है, उसे कपड़े से पोंछ लेते हैं कि साबुन वगैरह साबुन पानी से धो लेते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि ठोस को ठोस से अलग करने की विधियां, और जो जल में घुलनशील है और जो जल में घुलनशील नहीं है उसे किस तरह से अलग किया जाता है। एक और है कि जब हम दूध से मक्खन निकालते हैं तब क्या होता है, जब दूध से मक्खन निकालते हैं तो हम दूध में जो एक मथनी होती है, मथनी के लिए
मथने वाला, दाल भी होता है ना, दाल को भी घोटा जाता है, हम घोटते हैं, घोटनी भी बोलते हैं, मथनी भी बोलते हैं, उसको दूध में रख के ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब उसको जो नीचे वाला ऐसे ऐसे हो रहा है, दूध को ऐसे ऐसे कर रहा है थाली को, जो उसमें मलाई है हाँ, और जो मक्खन है वो हल्के होने के कारण ऊपर आ जाते हैं, जिसे कि हम पृथक कर लेते हैं, मतलब अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा ठोस से ठोस को अलग करना, जिसमें कि चुनना, चालना, ओसाना, दौनी सारी चीजें आ गई। अब पानी में घुलनशील और अघुलनशील को अलग करना, दूध से मक्खन को अलग करना, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और अगले क्लास में फिर इसी पृथक्करण की और दूसरी विधियों के बारे में ही बात करेंगे। तब तक तुम लोगों को जहाँ घर से बाहर नहीं निकलना है, जरूरत पड़े तो मास्क लगाना है, यदि निकलने की आवश्यकता पड़ी जाए तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, साबुन और पानी से हाथ को बार बार धोना है, यदि हाथ धोने की जगह नहीं है तो सैनिटाइजर का उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।